हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डीप डाइव इनसाइट्स। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऑन पेज एसईओ एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ऑन पेज एसईओ के अंदर हम सारी वो चीज़ें करते हैं जिससे वेबसाइट के पेज का कंटेंट इजी हो पाए यूज़र को समझने में और कंटेंट बेस्ट हो पाए। उन सारी चीज़ों को हम ऑन पेज एसईओ के अंदर ऑप्टिमाइज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है, हमारा जो पेज है उस पेज का यूआरएल प्रॉपर होना चाहिए। उस पेज के यूआरएल के अंदर हमारे जो पेज का कंटेंट का टारगेटेड कीवर्ड है वो कीवर्ड उस यूआरएल में होना चाहिए एग्जैक्ट। दूसरी चीज़, हमारे टाइटल के अंदर टारगेटेड कीवर्ड होना चाहिए और टाइटल की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 65 to 75 करेक्टर्स की ऑलमोस्ट होनी चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ होना चाहिए और प्रॉपर हेडर टैग यूज़ हुए होने चाहिए ताकि हमारे पेज का जो कंटेंट है उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेट परफेक्ट बनी रहे और हमारे कीवर्ड की जो डेंसिटी है, जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड है जिसके लिए हमने अपना ब्लॉग लिखा है, अपना कंटेंट लिखा है, उसकी डेंसिटी हमारी 2 to 3% मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर हमने कोई इमेज लगाई है तो उसका ऑल टेक्स्ट ज़रूर होना चाहिए ताकि इजीली गूगल के क्रॉलर को समझ में आ जाए कि ये एग्जैक्टली इमेज है किस बारे में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो आई होप आपको आप समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, डू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।